तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग मुंडा और गुलन कर रहे थे और आके यहाँ रुक गए कि हाउ ऑन द 28th of January को इन अ मीटिंग ऑफ द मुंडा चीफ्स एट तंबारी बारी इन खोटी the contours of the future Munda state future Munda state was decided. Birsa Munda ne Munda iske samaksh ये प्रस्तावित किया कि भविष्य का जो मुंडा स्टेट होगा, इट विल हैव बिरसा मुंडा एज द रूलर, गया मुंडा एज द कमांडर इन चीफ, डोंका मुंडा द एल्डर सन ऑफ गया मुंडा एल्डर सन सॉरी एज द चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सोमा मुंडा एज द हेड ऑफ द सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल अफेयर्स. फ्रेंड्स, बैटल लाइन्स वर लेड नाउ. हमने पूरा आपको समझा दिया था कि कैसे इनका एथिको रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो चुका था और ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार होने के साथ ही अब ये आर पार की लड़ाई का मन बना लिया मुंडाओं ने. द मुंडा उलगुलन टेक्निकली स्टार्टेड on the 24th of December ...1899. It was the day of Christmas Eve. When the church bells were clanging and the Christmas carol was being sung, उसी समय बिरसा मुंडा and his horde of army of over 6,000 मुंडा youths stormed the various churches in and around the Munda country. इसमें दो churches बहुत important थे जिस पर पहला attack हुआ, and that was the Anglican मुरहू मिशन एट एक्ताडी इन खोटी और दूसरा रोमन कैथोलिक चर्च एट सरवाडा इन खूटी. पहला अटैक इन्हीं दो चर्चेस पे हुआ, दिमाग में रखिएगा. मैंने पहले ही बताया आपको कि चलखाट जहाँ की बिरसा मुंडा का आश्रम था, चलखाट के पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे मृत्युंजय, नाथलाल चलखाट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, इन्होंने सबसे पहले ये मार्क आउट किया कि बिरसा मुंडा वॉज गॉड. और भगवान का तमगा उनके साथ लग गया. एकताडीह के मुरहू एंग्लिकन चर्च मिशन को स्टॉर्म करने के बाद और रोमन कैथोलिक चर्च सरवाडा को स्टॉर्म करने के बाद
फिर तो मुंडाओं ने चुन चुन के चर्चेस पर अटैक शुरू कर दिया और एक एंटी ब्रिटिश माहौल बन गया। मैंने पहले उस नारे के बारे में बात किया है, पूरी तरह मुंडा कंट्री साइड में वो नारा गूंजने लगा, हाँ, कि अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, आवर रूल विल कम एंड द रूल ऑफ महारानी विल गो अवे, दैट इज द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया विल गो अवे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिरसा मुंडा के सर पे रिवॉर्ड ऑफ ₹500 वॉज फिक्स्ड ऑन बिरसा मुंडा कि जो भी डेड और अलाइव बिरसा मुंडा को कैप्चर करेगा उसको ₹500 का इनाम दिया जाएगा। 5th of January को गया मुंडा के गांव तजना, सॉरी तजना नदी के किनारे, रिवर के किनारे गया मुंडा का गांव है एतकाडे। एतकाडे में लोकल पुलिसमैन जो चीफ कांस्टेबल था, है ना, जयराम, वो ड्यूटी पे था अपने एक सहयोगी के साथ। गया मुंडा ने देखा उनको और अपने पुत्र सांद्रे मुंडा को उसने आदेश दिया कि देखो द सांभर एंड द डियर हैव कम, सांभर और हिरण दोनों आ गए हैं, मार दो इनको। सांद्रे मुंडा ने किल्ड बाय सांद्रे मुंडा, सन ऑफ गया मुंडा, तो मार तो इसको। उसने अपना पॉइजन डार्ट निकाला, एरो और मार दिया और जयराम मर गया। उसके साथी को बहुत ज्यादा चोट लगी, वो तो बच गया। अब ये एक ऐसी घटना थी जिसने मुंडा कंट्री साइड में इन एंड अराउंड झांसी, अरे सॉरी रांची, तहलका मचा दिया। पहली बार किसी विद्रोह में मुंडाओं के प्रदेश में किसी पुलिसमैन को मारा गया। देखिए, हमने आपसे बात किया था अबाउट द संथाल रिवोल्ट, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे दिग्घी के पुलिस इंचार्ज महेश लाल को और करहड़िया कोटा के पुलिस इंचार्ज प्रताप नारायण को संथालों ने मार दिया था। तो किलिंग अ पुलिसमैन टैंटामाउंटेड टू ट्रीजन, इस एक्ट के बाद गया मुंडा और उनके परिवार पर देशद्रोह का चार्ज थोपा गया। ठीक है, गया मुंडा एंड हिज फैमिली चार्ज विथ हाई ट्रीजन। देशद्रोह का उनके ऊपर अपराध लादा गया, मतलब ये दंड दिया गया, उनको उस धारा के अंदर निरुद्ध किया गया। नाउ ऑन द 6th of January, ऑन जनवरी 6th अगले दिन, कहने का मतलब 18
1900 Stratfield, H.C. Stratfield, the Deputy Commissioner of Ranchi. ये सीधे एक तारीख पहुंचे विद द फोर्स और उन्होंने गया मुंडा सांड्रे मुंडा गया मुंडा के बड़े पुत्र दुमका मुंडा और उनके तीसरे पुत्र जयमासी मुंडा को उन्होंने अरेस्ट किया। तो जनवरी 6, 1900 को गया मुंडा एंड सांड्रे मुंडा हैंग टू डेथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। दुमका मुंडा को आजीवन कारावास दिया गया। सेंटेंस फॉर लाइफ। आजीवन कारावास दिया गया और जयमासी मुंडा को टेस्ट निकाला कर दिया गया। ही वॉज बैनिश फ्रॉम द मुंडा कंट्री। जयमासी मुंडा बैनिश फ्रॉम द मुंडा कंट्री। Now, these people, अब ये 6 जनवरी की घटना है। इसके प्रतिरोध में पूरा मुंडा क्षेत्र एकदम ये कह लीजिए कि क्रोधित हो गया, आक्रोशित हो गया और 9th जनवरी 1900 को ऊटी में डोम्बारी हिल्स माउंटेन्स के शैल रकाब हिल्स मुंडाओं का एक बड़ा समूह लार्ज ग्रुप ऑफ मुंडा वो शांति सभा शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। उनमें इन विषयों पर प्रचार हो रहा था, विचार हो रहा था कि भाई अब कैसे आगे निपटा जाए। बिरसा मुंडा के ऊपर 500 का इनाम रख दिया गया है। अंग्रेजी सरकार ने मुंडा स्टेट के कमांडर इन चीफ गया मुंडा को फांसी पर चढ़ा दिया, उनके लड़के सांड्रे मुंडा को फांसी पर चढ़ा दिया, उनके बड़े लड़के डोमका मुंडा जो पॉलिटिकल अफेयर्स के हेड भी मुंडा स्टेट के होने वाले थे उनको आजीवन कारावास दे दिया गया और जयमासी मुंडा को देश निकाला कर दिया गया। इस सभा में कहा जाता है कि बिरसा मुंडा भी थे। तो जब ये सभा कर रहे थे तो फॉरबेस कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर
and Stutfield. The deputy collector, sorry, deputy commissioner, of Ranchi ये दोनों लगभग 150 ट्रूप्स की फौज को लेके सैनिकों के इन्होंने आक्रमण किया और निहत्थे मुंडाओं पर भयंकर गोलाबारी किया. 20 मुंडा डाइड. Died in firing. इस इंसिडेंट को द जालियांवाला बाग ऑफ झारखंड कहा जाता है. द जालियांवाला बाग ऑफ झारखंड. निहत्ते लोगों पर गोली चलाना है ना. 6 जनवरी को जब स्टार्टफील्ड ने जया मुंडा, सांड्रे मुंडा, डोमका मुंडा और जयमासी मुंडा को सजा सुनाई, दो को तो फांसी पर लटका दिया, दो को एक को आजीवन कारावास दिया और जयमासी मुंडा को मुंडा देश से निकाला कर दिया गया. तो गया मुंडा की वाइफ माकी मुंडा द वाइफ ऑफ गया मुंडा सेंटेंस टू 2 years इंप्रिजनमेंट. Imprisonment. रानी सर्वेश्वरी के बाद माकी मुंडा झारखंड में दूसरी वीरांगना थी जिसको की जेल सजा हुई. हमने आपसे बात किया था कैसे रानी सर्वेश्वरी को उस समय भागलपुर के कमिश्नर अगस्तस क्लीवलैंड ने जेल की सजा सुनाई थी, गिरफ्तार किया था और भागलपुर जेल में रखा था. ये दूसरी वीरांगना थी माकी मुंडा टू बी सेंटेंस टू जेल टू बी इम्प्रिजेंट. इसका नाम झारखंड के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा. द सेकेंड वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड ऑफ झारखंड आफ्टर रानी सर्वेश्वरी. To be imprisoned. ठीक है, 2 वर्ष का इसको सजा मिला. सेल रकाब से बिरसा मुंडा भागने में सफल हो गए लेकिन बहुत दिन तक वो स्वतंत्र नहीं रह पाए. फरवरी 3 को वो जमकोपाई फॉरेस्ट जमकोपाई के जंगलों में
चक्रधरपुर में सोते हुए एक गद्दार ने उनकी मुखबरी कर दी। ये गद्दार वीर सिंह मोहली था। मोहली जो कि बंदगांव के जमींदार हेंचमैन ऑफ जगमोहन सिंह द जमींदार ऑफ बंदगांव तो ये वीर सिंह महली एक गद्दार था। इसने जो है सोते वक्त बिरसा मुंडा की मुखबिरी की और ये बंदगांव सरायकेला क्षेत्र में इलाका है, वेस्ट सिंहभूम सरायकेला क्षेत्र में, वहां के जमींदार जगमोहन सिंह का हिंचमैन था। वीर सिंह मोहली को रिवॉर्ड मनी 500 रुपया मिला। 500 रुपये के लिए इसने कौम और देश के साथ गद्दारी किया और भगवान बिरसा मुंडा को बंदी बनवा दिया। बिरसा मुंडा को अरेस्ट करके रांची में डाला गया। रांची जेल जो कि आज का जेल मोड़ है, जेल है जहाँ की स्मारक बना है बिरसा मुंडा का, आप देखते होंगे रोज वहाँ बहुत सजावट हुआ है, बहुत सुंदर वो जगह बना दी गई है। न्यूक्लियस के ठीक सामने, न्यूक्लियस मॉल के ठीक सामने हाँ इनको रखा गया था, जहाँ की 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा डाइड ऑफ कॉलरा, ऐसा आधिकारिक रिकॉर्ड से मालूम चलता है। आगे तो भगवान जाने, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं कि डाइड ऑफ कॉलरा। यहां इनको अरेस्ट किया गया था मेमोरियल, मेमोरियल हैज बीन बिल्ट। और जब मर गए तो ही वॉज बरीड। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बिरसा मुंडा का परिवार पहले एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन बाद में 1895 में चलखाट के आश्रम में विधिवत परिवार ने पुनः वैष्णव धर्म अपना लिया था। उनको दफन करने का कोई है ना, लेकिन फिर भी उनको दफन किया गया। ही वॉज बरेड नियर द ओल्ड डिस्टिलरी। लालपुर कोका रोड वेयर अ मेमोरियल हैज बीन बिल्ट। ठीक है, उनके लिए एक स्मारक स्थल बनाया। So that is how the Munda Ulgulan faded into the oblivion of history. Lekin chhap inki mit. The cult of Munda, Birsa Munda, still survives.
legacies of Birsa Munda. The cult of Birsa Munda still colors survive. It colors the socio cultural and political environment of Jharkhand. His birthday State Foundation Day. जिस दिन वो अरेस्ट हुए थे उसके एक दिन बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना फाउंडेशन डे मनाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, ही इज ऑनर्ड एज धरती आबे। भगवान a portrait of his of Birsa Munda Museum of Parliament The only tribal icon to be so honored. अकेला आदिवासी जिसको इतना सम्मान दिया गया है बिरसा मुंडा के ऊपर चंद्र रे द फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने बिरसा मुंडा के लेजेंड को रिक्रिएट कर किया है बिरसा द मुंडाज एंड देयर कंट्री ये किताब का नाम मत भूलिएगा प्लीज द मुंडाज एंड देयर कंट्री इस किताब में शरद चंद्र रॉय ने बिरसा मुंडा को अमर कर दिया कुंवर सुरेश सिंह हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही वाज एन आईएएस ऑफिसर हु आल्सो सर्व्ड एज द कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर ठीक है कुंवर सुरेश सिंह An IAS officer commissioner of Chota Nagpur कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर
and chairman of president of Anthropological Survey of India. उन्होंने बहुत ही फेमस किताब लिखी है बिरसा मुंडा पे, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। इस किताब को भी मत भूलिएगा भाई, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन बहुत फेमस किताब है। तीसरी लीगेसी जो कि फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, महाश्वेता देवी, द मैग्सेसे अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड लॉरेट। उन्होंने कल्ट ऑफ बिरसा मुंडा को रिक्रिएट किया है, कैसे, बड़ी फेमस उन्होंने किताब लिखी है, अरण्यर अधिकार फॉरेस्ट राइट्स, महाश्वेता देवी। ज्ञानपीठ अवार्ड एंड मैग्सेसे अवार्ड लॉरेट। इन्होंने बिरसा मुंडा के कल्ट को रिक्रिएट किया है, अरण्यर अधिकार। फॉरेस्ट राइट्स नाम की किताब से फ्रेंड्स, एक बहुत ही क्रिएटिव नॉवलिस्ट भी हैं, साहित्यकार भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, इकबाल दुर्रान। इकबाल दुर्रान ने बिरसा मुंडा पर एक नॉवल भी लिखी और बाद में उसी नॉवल पर उन्होंने फिल्म भी बनाई। नॉवेल एंड फिल्म ऑन बिरसा मुंडा। बहुत ही मर्मस्पर्शी फिल्म इन्होंने बिरसा मुंडा पे बनाई, गांधी से पहले गांधी। बहुत ही अच्छी फिल्म एंड नॉवेल सेल्फ वॉज मर, गांधी से पहले गांधी। फिर किताब का नाम मत भूलिएगा। देखिए हर जेपीएससी एग्जामिनेशन में पेपर टू में दो तीन किताबें ये पूछते ही पूछते हैं। इन्होंने अपनी अमिट छाप झारखंड के कला और संस्कृति पर छोड़ा है और जीवन पे इतिहास पे, ठीक है। गांधी से पहले गांधी, गांधी बिफोर गांधी, गांधी बिफोर गांधी। फाइनली जब सुदेश महतो साहब उप मुख्यमंत्री थे, 2016 में यह निर्णय लिया गया कि द उलगुलान मेमोरियल विल बी सेट अप इन ऑनर ऑफ बिरसा मुंडा।
ये उलगुलान मेमोरियल 150 फीट टॉल होगा, ये बुंडू के सूर्य मंदिर के बगल में स्थापित किया जाएगा, नियर द सन टेम्पल बुंडू। जो ये मेमोरियल कमिटी बनाई गई उसके कन्वीनर ऑफ द मेमोरियल कमिटी सुखराम मुंडा, सुखराम मुंडा जो कि बिरसा मुंडा के सगे होते थे, इनको उसका कन्वीनर बनाया गया। दोस्तों, इस मेमोरियल को बनाए जाने का प्रयोजन यह है कि हर भगवान बिरसा का अनुयायी, शुभ चिंतक और प्रशंसक कुछ ना कुछ योगदान देगा। हर घर से पत्थर, हर घर से सहयोग, है ना। तो इसका जो है, इस मेमोरियल का, हर घर से पत्थर, हर घर से सहयोग, इसको मत भूलिएगा, ठीक है ना, राइट। तो दिस इज हाउ अ ग्रेटिफाइड पीपल, अ ग्रेटिफाइड स्टेट ऑनर्स इट्स सुप्रीम मार्टियर एंड फ्रीडम फाइटर, दैट इज धरती आबे भगवान बिरसा मुंडा। अब आइए देखा जाए मुंडा उलगुलान के परिणाम क्या हुए, रिजल्ट्स ऑफ द मुंडा उलगुलान। सबसे पहला इसका आउटकम कि ये लगा कि खूंटी को ठीक से प्रशासित नहीं किया गया था, इसीलिए ऐसा दुर्घटना हुआ। कॉर्बस, द देन कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर, कॉल्ड इट द रिजल्ट ऑफ 3 decades ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट। ये कोर्ट मत भूलिएगा, कोटेशंस वगैरह भी सोचा ठो पूछता है का दो ठो, केयरफुल रहिएगा। एफ सी फॉर्बस देन कमिश्नर, उस समय कमिश्नर थे, ऑफ छोटा नागपुर, कॉल द उलगुलान 3 decades of administrative mismanagement. Mismanagement. ठीक है, और इसको शुद्ध करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले खूंटी was created सेपरेट अ न्यू सब डिविजन इन 1905 में खूंटी को एक नए सब डिविजन के रूप में सृजित कर दिया गया। तीन साल बाद 1908 में
Kaibasa was created as a new division, subdivision in 1908. So administrative roop se sudhar karne ke liye ye kiya gaya. Second thing, the Monkey Munda judico legal administrative system and Poonchkatti land revenue system introduced in the Munda country. Tisra, the Chota Nagpur Tenancy Act was put in action from November 11, ये डेट मत भूलिएगा, 1908, इस दिन से इसको लागू कर दिया गया. और चौथा, बेठ बेगारी वॉज बैंड फ्रॉम द मुंडा कंट्री साइड. अब बंधुआ मजदूरी आप मुंडाओं से करा नहीं सकते थे, ठीक है. फोर्थ लेबर बैंक. दोस्तों, ये अफसाना रहा उस महान क्रांति का और गुलाम का, जिसने कि झारखंड को हिला के रख दिया. और ये कह लीजिए कि अंग्रेज भी एक बार हतप्रभ रह गए कि इस स्केल का वायलेंस कैसे परपेचुएट हो. यहाँ के बाद अब हम लोग एकदम लास्ट स्टेज पे आ गए इस पार्ट ऑफ द सिलेबस पे. ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत आंदोलन ये जाहिरी तौर पे अवैष्णवाइट वैष्णवाइट सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट.
ठीक है, बेसिकली इस मूवमेंट को शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति था जतरा भगत। जतरा भगत वॉज बॉर्न इन 1888 AD इन द विलेज ऑफ सिंगारी नावाटोली। In the subdivision of village, in the block of Bishunpur, Kumla district. His father was कुंडले ओराव मदर लिबरी ओराव एंड वाइफ रत्नी ओराव। एक छोटी उम्र में ही जतरा भगत ने देखा कि किस तरह से मसीहीकरण और अंग्रेजी साम्राज्यवाद एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, जतरा भगत हाउ क्रिश्चियनिटी एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वर इंटर कॉम्प्लीमेंट्री। पहला चीज तो उन्होंने ये समझा, इसके बाद दूसरा चीज उन्होंने समझा हाउ देवर कोलैबोरेटिंग विथ एलियन लैंडलॉर्ड्स रूथलेस कॉन्ट्रैक्टर्स अनस्क्रूपुलस मनी लेंडर्स टू एक्सप्लॉइट द ट्राइबल्स। तो पहला चीज तो उन्होंने समझाई ये कि देखिए ये मसीहीकरण जो हो रहा है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद इनके बीच चोली दामन का संबंध है, दे आर इंटर कॉम्प्लीमेंट्री। और फिर कैसे ये दोनों बाहरी जमींदार निर्दयी ठेकेदार और निकृष्ट और घिनौने महाजनों के साथ मिलके आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। हाउ दे आर कोलैबोरेटिंग, ये दो चीज समझ लीजिए, कोलैबोरेटिंग विथ एलियन लैंडलॉर्ड रूथलेस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड
greedy and unscrupulous. Money lender. To exploit the tribal. ठीक है, तो ये दो चीज यात्रा भगत ने समझ, और उन्होंने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ताना भगत मूवमेंट ताना लिटरली मीन्स पुलिंग आउट, पुलिंग आउट। ठीक है, लिटरली ताना मीन्स पुलिंग आउट। और ताना भगत आंदोलन का अभिप्राय यही था कि जो उसके अनुयायी थे उनमें बुराइयों को खींच के बाहर निकालना। ठीक है ना, इट हैड टू कनोटेशंस। फर्स्ट, पुलिंग आउट द ईविल, ईविल फ्रॉम द बिलीवर्स, और दूसरा पुलिंग आउट द Parouns from society who do not follow the dictates of the Tana Bhagat. Jo bhi ise sthapit acharan sanhita ka palan nahi karte hain unko bhi samaj se khinch ke bahar karna. To do cheeze hain. Pehli cheez kya hai ki pulling out the social evils like intoxication, meat eating, violence, raucous dances, lewdness from society, from the around or kuduk society, and also pulling out the people who do not follow the dictates of the Tana Bhagat. So do cheeze hain tana ka matlab, ek to khinch ke buraiyon ko आचरण संहिता से दूर करना, और दूसरे उन लोगों को भी समाज से दूर करना जो कि ताना भगत की अवधारणाओं को नहीं मानते हैं। पुलिंग आउट द ईविल, पुलिंग आउट द पीपल। फ्रॉम सोसाइटी who do not follow the principles of Tana Bhagat. क्योंकि औरांस को कुलुक भी कहा जाता है, hence ताना भगत मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज कुडुक मूवमेंट। क्योंकि ओराओं को कुडुक भी कहा जाता है, इसीलिए ताना भगत आंदोलन को कुडुक आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए, ताना भगत आंदोलन अकस्मात नहीं था, ये सरदारी या मिल्की आंदोलन के समय से ही जो ट्राइबल्स के अंदर एक मानसिक उद्वेलता थी, उद्वंद था, उससे शुरू हुआ। इसने अपने को संथालों के सापाहोर आंदोलन के रूप में भी प्रदर्शित किया, जो मसीहीकरण के खिलाफ धारा थी,
फिर इसके बाद चार साल बाद खरवार आंदोलन में भी हिंदू धर्म के संरक्षण और सहिष्णुता को कायम रखने के लिए संघर्ष की बात आई। इसके बाद 25 साल बाद मुंडा गुलान में भी ये बात आई। तो सबसे पहले संथालों में दो दो आंदोलन दिखे हिंदुत्व को काबिज रखने के लिए, दैट इज द साफाहोर मूवमेंट एंड द खरवार मूवमेंट। इसके बाद मुंडाओं में उलगुलान हुआ वैष्णववादी हिंदुत्व को कायम करने के लिए, और तब ओराओं में जाके ताना भगत हुआ। ...1916 में जतरा भगत वॉज अरेस्टेड। क्योंकि वो खुल के क्रिश्चियन मिशनरीज को गाली दे रहे थे, और क्रिश्चियन मिशनरीज भाई अंग्रेजी हुक्मरानी के नजदीक थे। तो प्रशासन सक्रिय हुआ और ताना भगत को अरेस्ट कर लिया गया। डेढ़ साल बाद इनको फिर रिलीज किया गया इस मतलब कॉल के साथ, इस प्रॉमिस के साथ कि अब वो अपने उन क्रांतिकारी विचारों का प्रचार नहीं करें। लेकिन रिलीज होने के 1918 में रिलीज, डाइड विद इन 2 months, 2 महीना के अंदर ही ये मर गए। लेकिन जतरा भगत मर गए भौतिक रूप से, उनके विचार नहीं मरे। कोराव आदिवासियों ने ताना भगत आंदोलन के आदर्शों को न सिर्फ झारखंड बल्कि सीमावर्ती इलाके जैसे बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इनमें भी प्रसारित किया। फ्रेंड्स, ताना भगत के, जतरा भगत के गुजरने के साथ ही साथ उनके जीवन में ही जगह जगह ओराओं ने जो है इस आंदोलन के आदर्शों को प्रसारित शुरू किया। घाघरा हुआ, किशनपुर हुआ, सही हुआ, आगरा में इसका नेतृत्व ये कह लीजिए कि बहुत अभिन्न अनुयायी थे जतरा भगत के, बलिराम भगत। उन्होंने इसका नेतृत्व किया। बिशुनपुर में इसका नेतृत्व भिक्खु भगत ने किया। इसी में इसका नेतृत्व एक बहुत ही संघर्षशील महिला थी, देवमनिया भगत। किसने किया? फ्रेंड्स, इसी तरह पूरे राज्य में, ज्यादा छोटा नागपुर में ताना भगत मूवमेंट का प्रचार प्रसार। अब इसके नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक अवधारणाएं क्या थी, ये समय अभी खत्म हो गया है। अगले क्लास में हम लोग इस पर खत्म करेंगे। फिर 15 मिनट का काम है हरि बाबा मूवमेंट और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आई थैंक यू फॉर द क्लास। Have a nice time. Good night. Thank you. मेहनत करते रहिए. That's important.